मॉर्निंग। तो अभी हो रहे हैं दिन के 10:30 और सारा पूजा वगैरह कर करके सारा काम हो चुका है। वैसे भी आज कुछ का ऐसा कुछ खास काम नहीं है, जो भी काम होगा वो दिन से स्टार्ट होगा। तो अभी मैंने अपनी जस्ट एक वीडियो एडिट की, उसको अपलोड कर दिया, मतलब उसका जो भी काम था वो सब कर लिया एंड मैं हो गई हूँ रेडी। तो मैंने पहनी आज ये वाली साड़ी। तो जो ये वाली साड़ी थी, आई थिंक मुझे याद है कि मैंने तीज के टाइम पे पिछली बार मतलब मम्मी के लिए ऑर्डर की थी अपने, तो फिर उन्होंने मेरे लिए भी एक की थी। तो मैंने ये बस एक मैंने हॉल वीडियो बनाया था, उसके बाद मैं कभी नहीं पहने इसको, तो ये एकदम नई रखी थी। तो मैंने कहा चलो आज इसको पहनते, और ये साड़ी के साथ में ये ब्लाउज था जो कि बहुत ही ज़्यादा सुपर है। तभी मैं फुल लुक भी आपको दूंगी। बाकी अभी जो है रंगोली भी बनाना है, और मैंने सिंपली जो है अपनी सब चूड़ियाँ पहन ली, ये माँ प्रसाद में चढ़ाई थी तो वो पहन लिया। बाकी तो ये सब हो गया सारी चीज़ें। तो अभी तो सारी तैयारी स्टार्ट होगी, बिकॉज़ बहुत सारी चीज़ें करनी है। तो आप सभी को सबसे पहले हैप्पी करवाचौथ, क्योंकि बहुत सारी लेडीज़ होंगी और उनको दिल से बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, और अच्छे से आप लोग का भी व्रत हो। फिलहाल तो जो सुबह का शुरुआत था मुझे करना था सरगी से, बट बिकॉज ऑफ कि कल इतना मैं थक गई थी, मतलब मैं 3 दिन से ढंग से सो नहीं पाई थी, तो बस मैं उठी हूँ जस्ट, और मैंने सिर्फ ब्रश किया, थोड़ा मीठा खाया और चाय और मूंगफली खा करके उसके बाद मैं जा करके दही और जो भी मतलब चीनी गुड़ का खाते हैं शुभ करने के लिए वो खाया हमने, और मैं तुरंत सो गई। मैंने कुछ नहीं शूट किया बिकॉज मेरे को इतनी नींद आ रही थी ना कि मैं क्या बताऊँ। तो अभी बस यही अपडेट थी कि मॉर्निंग की शुरुआत कुछ ऐसे हुई थी, और अभी इसके बाद मैं मिलूंगी आपको सीधा रंगोली लगा बनाते हुए। तो यहाँ पर मेहंदी लगनी स्टार्ट हो गई है, बिकॉज़ माँ की मेहंदी नहीं लगी थी तो वो लग रही है, और उसके बाद हम रंगोली बनाएंगे। और रंगोली आज मेरी दोनों ननद ने बनाई है, बहुत अच्छी बनाई थी। पहले स्टार्टिंग में हमने बिखेर दिया था, देन उसको थोड़ा अच्छे से फिर बनाया गया, क्योंकि थोड़ा सा तो स्टार्टिंग में फैलता है। तो फिनिशिंग इसकी काफ़ी अच्छी आई थी, मतलब हमने काफ़ी टाइम बाद बनाया है रंगोली मुझे लग रहा है। तो अभी हो रहे शाम के 4:30 और मैं चली रेडी होने के लिए। तो मैंने आज पहना है ये लहंगा जो कि येलो एंड ग्रीन कलर में, काफ़ी सुंदर सा लहंगा है, और बाकी इसका जो भी होगा वो फुल लुक आपको बाद में दिखाऊंगी मैं। बट अभी मैं चल रही हूँ मेकअप करने, मेकअप लुक जल्दी ही आएगा, आई थिंक 1 से 2 दिन में वो भी आ जाएगा। तो देखते हैं क्या आज कर पाते हैं, मैंने कुछ सोचा तो नहीं अभी कैसा करना है, बट जब करेंगे तो समझ में आएगा। तो चलिए मैं मिलता हूँ आपको सीधा रेडी होकर के। तो अभी यहाँ पर तैयारी हो रही है, क्योंकि चंद्रमा दिख गए थे और क्योंकि बारिश भी हुई थी तो काफ़ी जगह पर नहीं दिखे थे, बट यहाँ दिख गए थे। तो सबसे पहले हमने दर्शन किया जो है, और उसके बाद फिर यहाँ पर सारी तैयारी हो रही है, और पूजा काफ़ी अच्छे से हो गई, बट क्योंकि थकान बहुत थी तो उसकी वजह से कई चीज़ें इधर उधर हो जा रही थी, बट पूजा बहुत बढ़िया से हो गया है। और यहाँ पे जो भी सिनौरा वगैरह रखवाते वो सब, बाकी की पूजा आप इन्जॉय कीजिए, मैं म्यूज़िक ही लगा देती हूँ, उस पर वॉइस ओवर करने का कोई बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है। बाकी थोड़ा सा जो बोलने वाला पोर्शन है वो मैं यहाँ पर ऐड कर दे रही हूँ। अरवा करवा सर्वा अरग देव नारायण बाढ़ भैया बाढ़ बाबा बाढ़ भैया बाढ़ बाबा बाढ़ पंच सहित राज बाढ़ पंच सहित राज बाढ़ अपने सुहाग बाढ़ अपने सुहाग बाढ़ अरवा करवा सर्वा अरग देव नारायण बाढ़ अरग देव नारायण बाढ़ भैया बाढ़ बाबा बाढ़ भैया बाढ़ बाबा बाढ़ पंच सहित राज बाढ़ पंच सहित राज बाढ़ अपने सुहाग।
गाइज अभी हो गई हमारी सारी पूजा पाठ, सब कुछ हो गया है, बट खाना नहीं खाया अभी मैंने क्योंकि कुछ रील्स वगैरह मैंने बनाई। तो ये रहा गिफ्ट जो माँ ने दिया है, ये चांदी की पायल और ये सब बिछे वगैरह सब कुछ है, ये कभी मैं पहनूंगी फिलहाल तो। और अभी मैं जा रही हूँ खाना खाने के लिए, यहाँ पर मैं करूँगी अपने इस व्लॉग का एंड। वीडियो अगर पसंद इस वीडियो को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज का व्लॉग कैसे लगा ये भी बताइएगा, बिकॉज मैंने कोशिश की है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा ना आऊँ और कोशिश करूँ पूजा को ज़्यादा से ज़्यादा लेके आऊँ। तो बस यही सब था, बाकी फोटोज़ वगैरह मैं इंस्टाग्राम पर पोस्ट करूँगी, वो भी आप लोग देखिएगा जरूर कैसे लगेगा और आज का लुक कैसा लगा। और ये मेकअप लुक जल्दी ही आएगा। और आपको बता दूँ कि जो ये चूड़ा मैंने वेयर किया है, ये मुझे एक इंस्टा स्टोर से मिला था जिसका नाम मैं नीचे मेंशन भी कर दूंगी। और बहुत ही अच्छे वाला चूड़े की क्वालिटी है, काफ़ी ज़्यादा बेटर है, मतलब मैं बोल सकती हूँ काफ़ी सुंदर है। तो कुछ इस तरीके से चूड़ा है, इसको भी आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं। तो जाइए जल्दी से चेकआउट कीजिएगा उनके पेज को भी। तो यहाँ पर चावल के आटे का गौर बना हुआ है जो कि अभी आपको दिखाऊंगी, ये रहा। तो इसके अंदर चार बॉल होते हैं और इसे खाना होता है गुड़ के साथ में, लाइक इसको आंख बंद करके चार बार में खाना होता है थोड़ा थोड़ा करके, और आंख बंद करके खाते तो एक बार सुबह और एक बार जो है सॉरी एक बार अभी और एक बार सुबह भी खाना होता है इसे, और इस तरीके से उसके बाद फिर खाना खाना होता है। तो हमारे यहाँ तो ऐसा ही होता है, बाकी और जगह पर तो कुछ अलग अलग होता होगा। हे गाइस, तो फाइनली हमने खाना वाना खा लिया, सारा काम हो चुका है, मेरे को थोड़ा सा इस चूड़े का कोलैबोरेशन भी करना था वो मैंने कर लिया, तो सब कुछ हो गया कंप्लीट। और अभी मैं बहुत थक गई तो मैं जा रही अपना मेकअप उतारने और बस करूँगी रेस्ट, और अब इतने पास मेरे पास टाइम नहीं कि मैं और चीज़ें कर पाऊँ। तो ओवरऑल मैंने सब कुछ दिखाया आपको आज के व्लॉग में, और आज का व्लॉग कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा। और ऐसे और भी व्लॉग्स आएंगे, एंड कल से मैं कुछ एक नई सीरीज़ कर रही हूँ स्टार्ट, लाइक बहुत सारी लड़कियाँ करती हैं, लाइक ससुराल में जा करके 8 से 10 दिन का वो चैलेंज होता है जिसमें साड़ी पहननी थी दिन भर, तो मैं भी कुछ ऐसा करने वाली हूँ जो कि सुबह से शाम तक साड़ियाँ पहनेंगे और देखते हैं कैसा इंटरेस्टिंग कर पाते हैं हर चीज़ को। तो कुछ नया ट्राई कर रही हूँ, तो इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि 8 से 10 दिन तक आपको लगातार मैं अपने ससुराल में साड़ियाँ पहन करके दिखने वाली हूँ, और जो भी डे टू डे होता रहेगा वो भी आप लोग के साथ जरूर शेयर करूँगी। तो इस चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा, नीचे सब्सक्राइब लिखा है उसको जल्दी सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ एक बेल आइकन होगा जिसे आपको प्रेस करना है जिससे कि आपको मेरी सारी नोटिफिकेशन मिले, इसके अलावा दूसरों के साथ में शेयर भी करना है। और आज की मेरा ये लहंगा कैसे लगा ये भी बताइएगा, और मैं बस मिलूंगी आपको जल्दी ही नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए आप सभी को हैप्पी करवा चौथ एंड गुड नाइट, बाय बाय।